मशहूर सिंगर के जिनकी आवाज हर दिल को छूती रही, अब हमेशा के लिए वो आवाज खामोश हो गई है। अचानक उनके निधन से देश भर में शोक की लहर छाई हुई है। केके की मौत से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। आज केके का अंतिम संस्कार होगा। केके का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंच चुका है। केके के अंतिम दर्शन के लिए फैंस का जमावड़ा उनके घर के बाहर लग गया है। उनके चाहने वाले आज उनके अंतिम दर्शन कर हमेशा के लिए उन्हें अलविदा कहेंगे। केके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा मशहूर नाम है। ऐसे में उनकी अंतिम यात्रा में फैंस और बॉलीवुड के कई सितारे उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंच रहे हैं। बता दें कि केके की मौत पर खबर आई थी कि उनकी मौत नेचुरल नहीं है। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। मिली खबर के मुताबिक केके के चेहरे और सिर पर चोट के निशान हैं, जिस वजह से केस दर्ज हुआ है। और होटल के स्टाफ और कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर से भी पुलिस सवाल जवाब कर रही है। वहीं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। कहा जा रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि उनकी मौत की वजह आखिर क्या है। बता दें कि फिलहाल केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में असामान्य कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि 72 घंटे बाद फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। कोलकाता के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल SSKM में केके का पोस्टमार्टम किया गया है। वहीं केके का अंतिम संस्कार करीब 1 बजे वर्सोवा हिंदू शमशान भूमि में होगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। केके के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक उनके घर पर रखा जाएगा। इसी बीच सिंगर के करीबी लोग और फैंस उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसकी जानकारी केके के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।